पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन हो गया है। निधन की खबर से बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ नेताओं ने कलावती जटिया के निधन पर शोक प्रकट किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी के निधन के बाद बीजेपी कार्यालय में होने वाला अभिनंदन सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गया। हालांकि तय कार्यक्रम के अनुसार मोहन कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री, विधायक और प्रदेश भर के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दुख जताते हुए कहा कि सत्यनारायण जटिया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस दुख की घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ी है। बहुत ही दुखद समाचार मालूम पड़ा है। सत्यनारायण जटिया जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उनकी धर्मपत्नी का हम सबको छोड़ के चले जाना सभी के लिए बहुत कष्टकर है, इसीलिए आज के कार्यक्रम में तब्दीली की गई है और इसको उत्सव पूर्वक न मना के एक औपचारिकता के साथ यहाँ पर मल्यार्पण के साथ कार्यक्रम करने का पार्टी ने निर्णय किया है, उनको श्रद्धांजलि भी देने का निर्णय किया है। वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सत्यनारायण जटिया की पत्नी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, वह मेरी परिवार का हिस्सा थी, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वहीं उन्होंने अपने मंत्रालय को लेकर कहा कि अभी मैं विभाग को समझ रहा हूँ, मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, उसके बाद आपको इस बारे में बता पाऊंगा। जटिया जी के साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी, 3-4 दिन में वो स्वस्थ हो गई और उनको साधारण कमरे में लाया गया था। और मेरी यही कामना थी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। आज ये दुखद समाचार मिला तो मेरी दिल की संवेदनाएं और श्रद्धांजलि जाटिया साहब के साथ हूँ, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक अनुभवी और सीनियर नेता केवल नहीं, लेकिन मेरे परिवार के साथ उनका एक जुड़ाव पिछले 3 पीढ़ियों से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।